शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि की मान में रविवार रात्रि गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण कर लोक कल्याण की मंगल कामना की। रविवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सोमवार से लेकर नवमी तिथि के मान में कन्या पूजन तथा दशमी तिथि पर गोरक्षपीठ से निकलने वाले परंपरागत विजय शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर उपासनारत रहेंगे। रविवार रात को महानिशा पूजा से पूर्व सप्तमी तिथि के मान में माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की सुबह व शाम के सत्र में विधि विधान से पूजा हुई। सुबह के सत्र में पूजन अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान रविवार रात गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। दो घंटे से अधिक चले अनुष्ठान में गोरक्षपीठाधीश्वर ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, माँ दुर्गा का विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का षोडशोपचार पूजन, भगवान कृष्ण एवं गोमाता का पूजन, नवग्रह पूजन, विल्व अधिष्ठात्री देवता पूजन, शस्त्र पूजन, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अर्धनारीश्वर एवं शिव शक्ति पूजन, बटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेदी पर उगे जौ के पौधे को वैदिक मंत्रों के बीच काटा, नारियल, कन्ना, केला, जायफल आदि की सात्विक पंचबलि दी। हवन की वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर पूजन किया, तदुपरांत लोक मंगल की कामना के साथ हवन किया। समस्त अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती के पाच एवं वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। आखिर में आरती एवं क्षमा याचना के बाद प्रसाद वितरित हुआ। हवन, पूजन एवं पाठ का संपूर्ण कार्यक्रम आचार्य अश्विनी त्रिपाठी की अगुवाई में श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यगण एवं वेदपाठी छात्रों ने संपन्न कराया। इस अवसर पर एडीजी अखिल कुमार, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महंत रविन्द्र दास, अरुणेश शाही, रणजीत सिंह, जवाहरलाल कशोदन, लाला अग्रवाल, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे, अवधेश सिंह, जनार्दन तिवारी, बंधु उपेंद्र सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, पवन त्रिपाठी, ओम जालान, हरि प्रकाश मिश्रा, विष्णु शंकर शुक्ला, अमित श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गोरखनाथ मंदिर के भक्त उपस्थित रहे। Yeah.